आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कुछ एमओटी के क्वेश्चंस जो टेस्ट में लिए गए थे और पी ब्लॉक एनसीईआरटी निकोजेंस एंड कैल्कोजेंस फैमिली एनसीईआरटी में जो भी आपका डाउट है इन चीजों को आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अजय एक क्वेश्चन है मॉलिक्यूलर मेटल थियरी से टेस्ट का क्वेश्चन को यहां लिख दिया जा रहा है आपसे ये 21 नंबर है उसमें आपसे इनकरेक्ट वन पूछा गया था कि कौन इसमें से इनकरेक्ट है। पहला ऑप्शन दिया है कि कलर इन हैलोजन इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फ्रॉम होमो टू ल्यूमो। पहला जो दिया गया है कलर इन हैलोजन इज ड्यू टू होमो ल्यूमो ट्रांजिशन। पहला ऑप्शन आपका ये है। सेकंड है एनर्जी गैप होमो और ल्यूमो के बीच, इसका ऑर्डर दिया है फ्लोरीन देन क्लोरीन देन ब्रोमाइन एंड देन आयोडीन। थर्ड है इन F2 मॉलिक्यूल एनर्जी गैप बिटवीन होमो एंड ल्यूमो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ वायलेट कलर। इन F2 में कह रहा है जो एनर्जी गैप है होमो और ल्यूमो का, ये एनर्जी गैप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ सॉरी फ्रीक्वेंसी ऑफ वायलेट कलर। ठीक है, डी ऑप्शन में है इन आई टू एनर्जी गैप बिटवीन होमो एंड ल्यूमो is directly proportional to wavelength of yellow color। अब अच्छे से देखते हैं। Incorrect choose करना है। हमने molecular orbital theory में अच्छे से पढ़ा है कि x2 जैसे f2 ही अगर लिया जाए, चारों है और चारों के अपने अपने कलर है। हमने पढ़ा है fluorine is pale yellow, chlorine is apple green, greenish yellow बोलते हैं जिसे, bromine is red ब्राउन रेडिस ब्राउन हल्का लाल ब्राउन जागे आयोडीन इज वायलेट हमने पढ़ा। तो बेसिकली अगर आप फ्लोरीन लिखते हैं तो लास्ट में इलेक्ट्रॉन आपका पाई स्टार 2px2 और पाई स्टार 2py2 आएगा और यही आपका होमो है और सिग्मा स्टार 2pz आपका ल्यूमो है हमने किया था। जाहिर सी बात है आपके पास KK4 इलेक्ट्रॉन्स, LL4 8 इलेक्ट्रॉन्स, सिग्मा 2pz 10, 12, 14, फिर एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग 14, फिर 14 टू 16 टू 18, तो आपका F2 में 18 इलेक्ट्रॉन है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन ये है। तो आपका जो फ्लोरीन है ये आपका है पाई स्टार 2p और ये अपना था सिग्मा स्टार 2p। यही इलेक्ट्रॉन, ये देखिए स्मॉल एनर्जी गैप है इसलिए आराम से रिचेबल है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इजीली एक्साइट कर सकता है इस पर, तो जो लैम्डा एब्जॉर्प्शन होगा हमने आपको पढ़ाया है फॉल्स इन यूवी रेज। अब पॉइंट है कि फ्लोरीन में आपका ये होमोल्यूमो ट्रांजिशन कहां से कहां जाएगा, तो पाई स्टार 2p से सिग्मा स्टार 2p पर। हमने आपको पढ़ाया था क्लोरीन में क्या जाएगा, तो सेल बढ़ा हुआ पाई स्टार 3p से सिग्मा स्टार 3p पर। ब्रोमाइन में कहा जाएगा, आयोडीन में कहा जाएगा, तो पाई स्टार 5p से सिग्मा स्टार 5p। अब हमने बताया आपको सेल बढ़ने से एनर्जी बढ़ती है बट एनर्जी डिफरेंस कम होता है, हमने पढ़ा है आपने पढ़ा है एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम, बहुत बार हमने पढ़ाया है, और एनर्जी डिफरेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल एम। इसका मतलब है यहां पर एनर्जी गैप ज्यादा होगा फिर धीरे धीरे एनर्जी गैप कम होगा, तो डेल्टा ई डिक्रीजेस। इसका मतलब है होमोल्यूमो ट्रांजिशन के लिए वेवलेंथ ज्यादा इस्तेमाल होगा क्योंकि ये एनर्जी गैप धीरे धीरे कम हो रहा है, तो कम होने से एनर्जी को इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा के।
तो अगर एनर्जी गैप कम होगा इसका मतलब कम एनर्जी लगेगी, मतलब ज्यादा लैम्डा एब्जॉर्ब होगा, तो लैम्डा एब्जॉर्प्शन करेस्पॉन्डिंग टू होमोल्यूमो ट्रांजिशन बहुत अच्छे से पढ़ाया था, फिर भी आपने डाउट पूछा है तो आपको बताया जा रहा है होमोल्यूमो ट्रांजिशन ये इंक्रीज करेगा क्योंकि एनर्जी गैप डिक्रीज कर रहा है, तो वेवलेंथ आपका लैम्डा एब्जॉर्प्शन जो है वो होमोल्यूमो ट्रांजिशन में पहले से इंक्रीज करेगा। अब इनकरेक्ट ऑप्शन में देखो पहला क्या है, कलर इनहेरेशन इज ड्यू टू होमोल्यूमो ट्रांजिशन, तो फर्स्ट इज करेक्ट। सेकंड पे आ जाओ, एनर्जी डिफरेंस होमोल्यूमो में, होमोल्यूमो का जो है वो फ्लोरीन में ज्यादा और आयोडीन में कम, होमोल्यूमो यही है आप समझ रहे हो, ये वाला हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर मेटल और ये वाला लोवेस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर मेटल है, तो सेल बर्निंग से एनर्जी डिफरेंस कम हो रहा है तो एनर्जी डिफरेंस होमोल्यूमो का घट रहा है धीरे धीरे, ये भी करेक्ट। थर्ड एफ टू में जो एनर्जी डिफरेंस है होमोल्यूमो का ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसका फ्रीक्वेंसी वायलेट के। आप गौर कीजिए ना, जब आप कॉम्प्लीमेंट्री कलर डायग्राम बनाते हो तो VIBZYOR अपन लिखते हैं, फ्लोरीन आपका दिखता है येलो, तो फ्लोरीन दिखता है येलो, ये फ्लोरीन है, तो जाहिर सी बात है लैम्डा एब्जॉर्प्शन जो होगा ये वायलेट होगा, ये वायलेट कलर को एब्जॉर्ब करेगा, फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ जो होगा वायलेट वाला एब्जॉर्ब करेगा क्योंकि आमने सामने ही ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर था, इसमें दिया हुआ है फ्लोरीन में एनर्जी डिफरेंस जो है होमोल्यूमो का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी वायलेट के। और सेकंड डी में आ जाओ, आयोडीन में जो एनर्जी डिफरेंस है होमोल्यूमो का इसका वेवलेंथ येलो कलर आयोडीन में, तो आयोडीन में इसमें क्या रहा है वायलेट और आयोडीन में आयोडीन खुद वायलेट है, तो आयोडीन में ये वायलेट कैसे फिर येलो आ जाए, आयोडीन खुद वायलेट है तो ये येलो आएगा, आप समझ रहे हो आयोडीन खुद वायलेट है इसीलिए जो उसका लैम्डा एब्जॉर्प्शन होगा वो येलो होगा, और फ्लोरीन में जो एनर्जी डिफरेंस है होमोल्यूमो का वो कौन सा एनर्जी ले रहा है तो वायलेट ले रहा है, तो ये वाली चीजें जो दी हुई आपको इनकरेक्ट सर्च करना है, फ्लोरीन में एनर्जी डिफरेंस होमोल्यूमो के बीच का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है न्यू वायलेट के, तो सही है फ्लोरीन में न्यू वायलेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका एनर्जी डिफरेंस सही है, और आयोडीन में जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लैम्डा एनर्जी डिफरेंस, तो एनर्जी डिफरेंस मतलब जो लाइट लेगा, फ्लोरीन में लाइट कौन लेगा ठीक से देखो, फ्लोरीन में कौन सा लाइट लेगा अगर ये फ्लोरीन है तो कौन लाइट ली जाएगी फ्लोरीन में वायलेट, वायलेट ली गई इसका मतलब क्या लिया गया प्लस मतलब लेना, कौन सा न्यू लिया गया वायलेट का फ्रीक्वेंसी लिया गया। अब वहीं पर आयोडीन में चलो, तो आयोडीन में ये गैप आपने क्या बोला कम है, तो अब यहां जो फ्रीक्वेंसी ली गई कौन सी लाइट ली गई जंप करने के लिए येलो, इसका मतलब है कि कौन सा आपका लैम्डा लिया गया येलो, तो ए तो इनकरेक्ट नहीं था, बी भी इनकरेक्ट नहीं था, सी भी इनकरेक्ट नहीं निकला और डी भी इनकरेक्ट नहीं निकला, एक बार फिर से हम लोग क्वेश्चन को देख ले क्योंकि कोई इनकरेक्ट नहीं निकला, फिर भी एक बार क्वेश्चन को थोड़ा सा देखना बनता है कि कहीं कुछ ऐसा हो क्यू जिस पर हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हो। इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट हैलोजन्स इज कलर इन हैलोजन्स इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फॉर होमो टू ल्यूमो, होमो टू ल्यूमो सही है, एनर्जी गैप बिटवीन होमो एंड ल्यूमो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में आयोडीन की तरफ कम हो रहा है सही है। थर्ड इज इन एफ टू मॉलिक्यूल एनर्जी गैप बिटवीन होमो एंड ल्यूमो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ वायलेट कलर सही है, और डी ऑप्शन है इन आयोडीन मॉलिक्यूल एनर्जी गैप बिटवीन होमो एंड ल्यूमो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ येलो कलर, वेवलेंथ ऑफ येलो कलर, ये चारों के चारों स्टेटमेंट सही है, इनमें से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, आयोडीन मॉलिक्यूलर एनर्जी गैप बिटवीन होमोल्यूमो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ येलो कलर, वेवलेंथ ऑफ येलो कलर, आयोडीन इज वायलेट तो वेवलेंथ ऑफ येलो कलर सही है।
इसलिए इसमें कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। तो बहुत लोगों ने इसका आंसर सही बना करके जंग जीत ली होगी, टेस्ट में नंबर अर्न कर लिया होगा, बट इसका कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। क्या आप लोगों को समझ में आया सारे कैसे करेक्ट हैं? यस सर, यस सर, यस सर, सर, हाँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सर, वेवलेंथ ना होगा सर, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है मतलब। तो ये वाला गलत हो जाए। आंसर डी, मतलब ये लैम्डा येलो लेगा, बट एनर्जी तो लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, जैसे एक में फ्रीक्वेंसी एक में वेवलेंथ है, तो इसमें लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा, क्योंकि एनर्जी जो है वो यहां हमने लिखा है लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, थैंक यू केसरी ध्यान। यस सर, तो चलिए आप स्पेस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। अगर आपको कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन पेज नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 20 का करवा रहा हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैज सेंटर ऑफ सिमेट्री COS इन होमो, सेंटर ऑफ सिमेट्री COS इन होमो, होमो में। तो पहले सबका होमो पता होना चाहिए। ए इज बी टू, बी इज सी टू, CF2 and D is M. इसके किसके होमो में, इन चारों ऑप्शन के किसके होमो में सेंटर ऑफ सिमेट्री? सेंटर ऑफ सिमेट्री तो समझ रहे हैं, उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में सिमेट्री होगी, सेंटर ऑफ सिमेट्री, और होमो हाईएस्ट। तो आप सॉल्यूशन में आइए ना, B2 का होमो कौन होगा? आखिरी इलेक्ट्रॉन पाई टू पी में। पाई टू पी का स्ट्रक्चर जब आप बनाते हैं तो आपको अच्छे से पता है वो इस तरीके का होता है पाई टू पी। C2 का भी आखिरी इलेक्ट्रॉन पाई टू पी में ही आएगा, तो यही वाला पिक्टोरियल डायग्राम फिर हो गया। आराम से बनाइयो, जितना आप हाथ साफ करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे वही काम आएगा। F2 का लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होमो है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड, वो है पाई स्टार टू पी में। चलो आप पाई स्टार टू पी बनाते हैं, तो ये रिपल्सन की वजह से ये ऐसा आता है, ये, और एनओ का जो होमो है वो इलेक्ट्रॉन पाई स्टार 2p में 1 इलेक्ट्रॉन है, NO ही है, NO प्लस तो नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री इन होमो। हाँ, तो NO में भी लास्ट इलेक्ट्रॉन पाई स्टार 2p में ही आएगा, वही पिक्चोरियल डायग्राम। आप याद कीजिए, आपके पास 15 इलेक्ट्रॉन है, तो के एलएल सिग्मा या पाई कुछ भी लिख सकते हैं आप, सिग्मा टू पी जेड टू, पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई, आप दोनों में 2 लेंगे, और उसके बाद 4 4 8 to 10, 4 14, पाई स्टार टू पी एक्स और पाई स्टार टू पी वाई, एक में 1 और एक में 0, इसका आपका होमो यही हुआ। और F2 में वही 19 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 4 8 to 10, 4 14 14, 18 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें आपका भर जाएगा। अब क्या रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैज सेंटर ऑफ सिमेट्री
COS इन होमो, किसके होमो में सेंटर ऑफ सिमेट्री है? स्पष्ट दिख रहा है F2 और NO, F2 और NO, इन दोनों में एक सेंटर ऑफ सिमेट्री बन सकता है जिसके रिस्पेक्ट में सिमेट्री आएगा, बट इसमें नहीं बन पाएगा। तो इस क्वेश्चन में F2 और NO दोनों ऑप्शन होना चाहिए सेंटर ऑफ सिमेट्री इन होमो में, F2 भी होना चाहिए, NO भी होना चाहिए, बट हमने ओनली वन करेक्ट में इसको डाला है। जब आप ओनली वन करेक्ट में डालेंगे और आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री लेनी है, तो अब मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर आपको F2 करना होगा, क्योंकि F2 ही वैसा है जिसमें दोनों में टू टू इलेक्ट्रॉन्स है। और लेकिन मेरे को सीरियस डाउट है कि मैंने यहां पर NO दिया था, शायद मैंने NO प्लस दिया था, ये टाइपिंग एरर होगा जिसके वजह से उन्होंने NO कर दिया, क्योंकि क्लियर इस क्वेश्चन का आंसर सी एंड डी दोनों होगा, क्योंकि ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है सिंपली क्वेश्चन में सेंटर ऑफ सिमेट्री में हो, तो यहां सेंटर ऑफ सिमेट्री है, सेंटर ऑफ सिमेट्री दोनों में, तो दोनों आंसर हो सकता है। हाँ, थोड़ा आप एक्स्ट्रा लॉजिक ओनली वन करेक्ट के लिए आप लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, तो आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि सर F2 का जो है वो दोनों भरा हुआ होगा, बट NO का जो होगा वो एक में इलेक्ट्रॉन होगा, एक में नहीं होगा, तो इसका होमो तो दोनों है, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री सिमेट्रिकल हर मामले में अगर बोला जाए तो फिर दोनों फील्ड होगा, तो F2 ले लिया, बट ये लॉजिक कुछ अच्छा लॉजिक नहीं है, आंसर दोनों को करना होगा ओनली वन करेक्ट के लिए, भले ही आपने सी कर दिया। तो ये 20 नंबर एप्लीकेशन था। नेक्स्ट इसके बाद और कौन सा एप्लीकेशन बताया जाए आपको, आप बोल सकते हैं। ब्राउन रिंग टेस्ट एनसीईआरटी डिस्कशन में पी ब्लॉक में पेज नंबर 175, इसमें बेटा आपका कौन सा पॉइंट डिस्कशन में डाउट आ रहा है बताओ। ब्राउन रिंग टेस्ट, ब्राउन रिंग टेस्ट, ठीक है, ये आपका ऊपर में दिया हुआ है 175 के ऊपर वाले हिस्से में ब्राउन रिंग टेस्ट। वैसे ब्राउन रिंग टेस्ट जस्ट आगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड डी ब्लॉक जो हम लोग करने वाले हैं चैप्टर उसमें आएगा, फिर भी यहां पर है तो थोड़ा सा इसको अभी काम के लायक डिस्कशन कर दिया जाए। आपका एनसीईआरटी डिस्कशन हम लोग चल रहे हैं क्लास 12 वाले पार्ट। अजय ब्राउन रिंग टेस्ट जो है ब्राउन रिंग टेस्ट हम लोग नाइट्राइट रेडिकल और नाइट्रेट रेडिकल को पहचानने के लिए करते हैं, ठीक है, सॉल्ट एनालिसिस बोलते हैं इसे हम लोग, क्वालिटेटिव एनालिसिस या सॉल्ट एनालिसिस बोलते हैं, सॉल्ट को पहचानना हो एनायन या कैटायन के नेचर को पहचानना हो। तो ब्राउन रिंग टेस्ट हमने क्यों लगाया, employed for NO2 minus, sorry, detection छूट गया, क्यों लगाया हमने, detection of NO2 minus and NO3 minus radicals, इन radicals को पहचानने के लिए हम लोग ब्राउन रिंग टेस्ट लगाते हैं, NO2 minus and NO3 minus, अच्छे से आप देखेंगे, कोई डाउट होगा तो आप तुरंत पूछेंगे। देखिए, मान लो एक सॉल्ट है NaO2, सैंपल सॉल्ट नमूना, ठीक है, आपका इसमें NO2 माइनस है, आपके हाथ में एक सॉल्ट दिया गया सोडियम नाइट्राइट, बोला गया आप कंफर्म करो कि इसमें नाइट्राइट रेडिकल है, NO2 माइनस रेडिकल है, ठीक है, ब्राउन रिंग टेस्ट यही हुआ, इसी से रिलेटेड है ब्राउन रिंग टेस्ट, आपको कंफर्म करना है, डिटेक्ट करना है कि उसमें NO2 माइनस है, कैसे कंफर्म करोगे, तो सबसे पहले जो सॉल्ट मिलता है उस पर यूजुअली हम लोग एसिड डाल देते हैं, डाइल्यूट डालते हैं, काम नहीं चलता है तो फिर कंसंट्रेटेड डालते हैं, एसिड डालने से कोई ना कोई गैस बननी चाहिए, अगर डाइल्यूट डालने से नहीं बनता है तो फिर हम लोग कॉन्क डालते हैं, ठीक है, तो कोई ना कोई गैस बने और उस गैस को पहचान लेते हैं, उससे पता चल जाता है सॉल्ट, कार्बोनेट सॉल्ट अगर आप डाइल्यूट SO4 डालेंगे तो CO2 गैस निकलेगा, अब CO2 गैस का स्मेल है, CO2 गैस की सॉलिबिलिटी है, CO2 गैस का वाटर से रिएक्टिविटी है,
बेस से रिएक्टिविटी है, तो ये सब करा पुरा के कंफर्म कर लेंगे। चूंकि ये CO2 है तो सॉल्ट भी कार्बोनेट है, तो उसी तरह से आप कंफर्म करेंगे NO2- रेडिकल वाले सॉल्ट पर कुछ एसिड डालें, कोई गैस बने और उस गैस का नेचर पहचान करके हम लोग कंफर्म कर दे कि ये नाइट्राइट है। तो इस पर जब आप डालेंगे तो सबसे पहले क्या बनेगा जरा देखें, HNO2 बनता है नाइट्रस एसिड। बेटा ये जो नाइट्रस एसिड होता है इसका नेचर है ये अनस्टेबल है, ये एयर में अनस्टेबल है। HNO2 जो है वो एयर में अनस्टेबल है तो वो अपने आप टूट जाएगा, डिकम्पोजेस स्पॉन्टेनियसली। हमने आपको पढ़ाया भी है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ एसिड में कि HNO2 अपने आप किस फॉर्म में टूटता है जब आप इसको एयर में छोड़ते हो। ध्यान से देखो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो जाएगा, ऑक्सीडेशन के थ्रू नाइट्रिक में चला जाएगा और रिडक्शन के थ्रू NO गैस देगा। NO is colorless gas, आपको पता है, paramagnetic gas है, एक unpaired है, antibonding molecular metal electron है, NO अभी वही discuss कर रहे थे, और इसका जो homo है, वही इसका limo है, इसलिए colorless होता है। Anyways, तो आपने nitrite radical को अच्छे से देखोगे, nitrite radical को पहचानने के लिए कि salt में NO2 minus radical है, आपने उस पर dilute acid डाला ताकि कोई gas बने, gas तुरंत तो नहीं बना, but जो बना वो धीरे धीरे gaseous product में convert हो गया। अब आप कन्वर्ट कर लीजिए, कंफर्म कर लीजिए कि ये गैस NO है। अगर आपने कंफर्म कर लिया कि वो NO है तो कंफर्म हो गया कि ये नाइट्राइट है, क्योंकि नाइट्राइट से ही NO आया। तो अब आप सारी ताकत लगा दें NO को पहचानने। आप बोलोगे सर गैस कलरलेस हो गया तो NO कंफर्म हो गया ना, कैसे, CO2 भी तो कलरलेस होता है। आप बोलोगे सर पैरामैग्नेटिक है तो कंफर्म हो गया ना, O2 भी तो कलरलेस और पैरामैग्नेटिक होता है, तो कंफर्म नहीं हुआ ना। कंफर्म करने के लिए आपको कुछ टेस्ट कराने पड़ेंगे, या तो कलर पर बेस्ड या सॉलिबिलिटी पर बेस्ड, जो विजिबल चेंजेस आएंगे उसके बेसिस पर आप कंफर्म करोगे। मान लो यही चीज क्वालिटेटिव एनालिसिस है, ठीक है, क्वालिटेटिव एनालिसिस यही चीज है, रिएक्शंस का एक टोटल जो है क्या बोलते हैं कॉम्बिनेशन सारे रिएक्शंस को एक जगह हम लोग कलेक्ट करके उसका कलेक्टिव पार्ट हम लोग ये बोलते हैं। मान लो आपने किसी को भेजा थोड़ी देर के लिए, मान लो कि मेरे से मिलने के लिए, ठीक है, किसी को आप बोल रहे हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है, चले जाइए सर से पढ़ लीजिए, किसी को रेफर। देखो कितना सिंपल है, हम एक सॉल्ट के एनायन या कैटायन है, तो हमारी पहचान करने के लिए अब आपको क्या करना है, आपने किसी को बोला इनऑर्गेनिक जाओ पढ़ो, वहां पे जाके पढ़ना है, तो अब पहचान करने के लिए कि कंफर्मेशन में तुम सर से जाके मिलोगे, बात करोगे, प्रोसेस पूछोगे क्या है, कौन चैप्टर चल रहा है, किस तरीके से पढ़ाई होगी, डीपीपी मिलेगी, डिस्कशन होगा, टेस्ट होगा, क्या है, ये सब चीज। तो तुम बोलोगे कि सर से जाके मिल लोगे, वो तुमसे पूछेगा सर कौन है, कैसे है, तो तुम दो चार कैरेक्टर बताते हो, दो चार प्रॉपर्टी बताओगे, सर होंगे, मोटे होंगे, दुबले पतले होंगे, लंबे होंगे, छोटे होंगे, नाटे होंगे, काले होंगे, सब होंगे। तो एनीवेज आप ये चीज बताए, अब वो गया सेंटर पे, अब सोचिए आप जो चेंजेस बताए, ये कंफर्मेटरी टेस्ट तब होगा जब ये दूसरे से मैच नहीं करेगा, कोई और भी लंबा आदमी हो सकता है, तो पता चला कि किसी लंबे आदमी से मिल लिए और मिलने के बाद वहां वो समझ लिए कि ये सर है, बोल दिया कि दुबला पतला है आदमी, दुबला पतला से कोई पप्पू जी अपने सेंटर पर रहते हैं, पकड़ लिया, अच्छा पप्पू जी ही सर है, फिर गड़बड़ हो गया। मतलब कंफर्मेटरी टेस्ट ऐसा टेस्ट होगा जो क्लियरली डिस्टिंग्विश करे। क्लियरली डिस्टिंग्विश करने वाला टेस्ट क्या होगा, दो चार क्वेश्चन पूछना इनऑर्गेनिक का, चार में एक दो जवाब दे दे तो समझ लेना वही सर होंगे, एक भी जवाब नहीं दे तो इसका मतलब वो सर नहीं होंगे। डाउट हो रहा है, अरे चार में एक दो तो जवाब दे देंगे ना बेटा, बोल ही नहीं रहा सर, चारों दे दीजिए सर, चारों में चारों सर, चारों में चारों। अबे गधे तो पहले तुमको ये बोलना चाहिए ना कि सर क्वेश्चन आएगा तब तो पूछेंगे क्या पूछना है, हा? तो कंफर्मेटरी टेस्ट अलग हुआ और एस्टिमेशन अलग हुआ। तुम बोलोगे लंबे हैं तो अनुमान लगाया जा सकता है, समझ रहे हो, अनुमान लगाया जा सकता है। तुम बोलोगे दुबले पतले हैं तो अनुमान लगाया जा सकता है कि ये वही आदमी होंगे, दुबला पतला तीन चार दिखा तो कंफर्मेशन नहीं आएगा। कंफर्मेटरी टेस्ट ऐसा होना चाहिए जो क्लियर डिस्टिंग्विश कर दे कि ये प्रॉपर्टी इसी में पाई जाती है, दूसरे में नहीं पाई जाती है।
ठीक है, यही सॉल्ट एनालिसिस में काम होता है। तो आ जाइए ध्यान से, अब ये जो एनओ आया कलर से कंफर्म नहीं होगा, मैग्नेटिक नेचर से कंफर्म नहीं होगा, कंफर्मेशन के लिए एक स्टेप का टेस्ट है, कंफर्मेशन के लिए एक स्टेप का, सिंगल स्टेप का टेस्ट है। ध्यान दीजिएगा क्या टेस्ट है, आप FeSO4 के घोल में, सॉल्यूशन में, FeSO4 इज व्हाट, फेरस सल्फेट के सॉल्यूशन में, ग्रीन कलर का सॉल्यूशन है, घोल में डालिए, किसको, इस गैस को जब पास करवाइएगा तो एक ब्राउन कलर का रिंग बन जाएगा। ट्यूब में अगर आप ट्यूब में डालें, जैसे मान लीजिए कि ये FeSO4 का इसमें सॉल्यूशन है, तो पहले से ये ग्रीन दिखेगा FeSO4 के कारण। अब जब आप इसमें नीचे से आप NO गैस पास करवा दें, तो ये एक ब्राउन कलर, NO कलरलेस गैस है, तो एक ब्राउन कलर का अंगूठी के तरह, छल्ले के तरह एक रिंग बन जाएगा वॉल पर, कंटेनर के वॉल पर अगर आया, तो वो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स है, उसका फॉर्मेशन FeSO4 के साथ सिर्फ और सिर्फ NO करा सकता है। तो कंफर्म हो गया कि जो गैस आया वो NO है, और अगर ये गैस NO है तो ये HNO2 है, और अगर ये HNO2 है तो ये HNO2 है, और अगर ये HNO2 है, इसका मतलब ये नाइट्राइड। समझ में आया होगा, ध्यान दो, गैस कलेक्टेड टर्न्स फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 सॉल्यूशन टू ब्राउन। आप बोलेंगे ब्राउन रिंग कहां पर, तो अराउंड द वॉल ऑफ कंटेनर, जो आपका कंटेनर है उसके वॉल पर चारों ओर जो है वो ब्राउन कलर का रिंग रेडी कर देगा। ठीक है, अच्छे से देख ले आप, तो कैसे हो जाएगा जरा इसको क्लियर लिखते हैं, हम रिएक्शन को थोड़ा सा समझने की बारी है, रिएक्शन को आप अच्छे से समझ लें। ठीक से, ये आपका FeSO4 है, एक्वस, एक्चुअली ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ध्यान से, इसीलिए ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, Fe H2O 6 SO4। कोऑर्डिनेशन आ रहा है, वहां पर क्लियर हो जाएंगी चीजें, ये FeSO4 इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। फिर से देख लो, आप जानते हो कि FeSO4 सॉल्युबल, ट्रांजिशन मेटल सल्फेट आर सॉल्युबल, इसीलिए आयनाइज हो गया Fe2+ एक्वस और सल्फेट एक्वस। अब जैसे ही पानी में फ्री Fe2+ आया, वाटर उसके साथ एक कोऑर्डिनेट करके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना, इसी में आप क्या डाल रहे हैं, NO। ठीक से देखिए, ये कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक है, 4 unpaired इलेक्ट्रॉन्स से, और ये ग्रीन है, हमने पढ़ाया Fe2+ का कलर लाइट ग्रीन होता है, 4 unpaired इलेक्ट्रॉन से ये कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक है। जब आपने NO डाला तो इससे ये कॉम्प्लेक्स बन गया, अच्छे से आप देखेंगे कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला, Fe H2O 5 NO SO4, और यही ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, यही ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक से देखेंगे, और यहां पर ये कॉम्प्लेक्स भी पैरामैग्नेटिक है, बट 3 unpaired इलेक्ट्रॉन्स, अब unpaired इलेक्ट्रॉन 4 ना होकर के 3। थोड़ा सा एक लाइन इसको और हम एक्सप्लेन करने वाले हैं अगले पेज में, पहले आप इस पेज का स्क्रीनशॉट अच्छे से ले। ध्यान दे जरा, हमने बोला कि FeSO4 में जब आपने NO पास करवाया, ये कलरलेस गैस, तो ये ग्रीन कलर का सॉल्यूशन ब्राउन में कन्वर्ट हो गया NO अंदर एंटर किया। एक्चुअली क्या हुआ इस प्रोसेस में, इसको समझना अच्छे से जरूरी है। ठीक से देखिए, यहां Fe2+ था, हुआ क्या है जरा देखिए, 4 unpaired इलेक्ट्रॉन था, NO आके कंबाइन किया, आप जानते हैं NO पैरा है, 1 unpaired, 4 ये इससे कंबाइन किया, और यहां से यहां आने पर ये NO+ में चला गया और एक इलेक्ट्रॉन इसमें लूज कर दिया,
इसके लूज किए हुए इलेक्ट्रॉन को एक्चुअली ये आयरन टू ने गेन कर लिया, इसीलिए ये बन गया अब आयरन वन, और अब यहां पर अनपेयर्ड बचाती है। आपके सिलेबस का एकमात्र ये कंपाउंड है ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स जहां पर तीन अनपेयर्ड है, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन मौजूद है किसमें? आप जो ये कंपाउंड देख रहे हैं इसका मतलब इसमें क्या क्या है? आयरन कितने प्लस में? एक प्लस में। एनओ किसमें है? एनओ प्लस में। और ये कंपाउंड क्या है? पैरा। कितने अनपेयर्ड से? तीन। तो ध्यान से देखेंगे, इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स ब्राउन कलर के कारण, और इस कंपाउंड में Fe एक प्लस में है, NO प्लस में है, और NO यहां से यहां ने एक्चुअली एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है। हमने आपको पढ़ाया था पिछले क्लास, जस्ट पिछले लेक्चर में, MOT का जो लास्ट लेक्चर था, हमने उसमें करवाया था कि NO गेट्स स्टेबलाइज्ड बाय लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन व्हाइल CO, जबकि NO का भी बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता और CO का भी बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता, बट CO प्लस इज लेस स्टेबल देन CO व्हाइल NO प्लस इज मोर स्टेबल देन NO, हमने क्लियर किया था। तो यहां से यहां आने पर NO ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, उसको मेटल ने गेन किया। NO यहां लिगेंड कहलाता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में लिगेंड, और वो सेंट्रल मेटल है। तो आप कह सकते हैं कलर इज ड्यू टू लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, कलर का रीजन। कलर तो आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के कारण होता है, तो कलर इज ड्यू टू लिगेंड, कौन लिगेंड? NO टू मेटल, मेटल कौन? Fe2+ चार्ज ट्रांसफर, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। हालांकि क्वाड्रेशन कंपाउंड में बहुत डिटेल में आप इसको पढ़ेंगे, शॉर्ट में LMCT बोलते हैं, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। तो अभी फिलहाल ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में आपको इतना ही चीज अभी ध्यान रखें, आपका डी ब्लॉक का है ये कंटेंट, पी ब्लॉक में भले ही दे दिया बट ये डी ब्लॉक का कंटेंट है और फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपसे IIT ने 2008 में पूछा है, 98 में पूछा है, 92 में पूछा है, 2014 में पूछा है। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में कभी पूछता है कलर, कभी पूछता है मैग्नेटिक नेचर, कभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कभी आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट, कभी कुछ कभी कुछ, सारे कॉम्पिटिशन ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स के बारे में पूछे जाते हैं, पूछते हैं सवाल, ठीक है। तो हमने क्या बोला, एक बार फिर से इसका रिव्यू कर लो आप, ब्राउन रिंग टेस्ट किसके लिए लगाते हैं हम लोग? डिटेक्शन ऑफ NO2- या NO3-। हमने एक NO2- के थ्रू करवाया है कि NO2- सैंपल सॉल्ट आपको लिया कि दिया गया, बोला गया कि कंफर्म करो कि इसमें जो अनायन है दैट वन इज NO2- नाइट्राइट है, तो उस पर क्या डालोगे? डाइल्यूट H2SO4। जैसे ही डाइल्यूट H2SO4 डालोगे तो इससे HNO2 बनेगा, और HNO2 is unstable in air, so decomposes spontaneously to HNO3 and NO. NO is paramagnetic and colorless gas. अब जब आप NO is get passed through freshly prepared FeSO4, ताजा बने हुए FeSO4 solution, ताजा इसलिए ज्यादा पुराना बना हुआ रहेगा तो Fe oxidize हो जाएगा air के द्वारा Fe3+। Ferrous जो है वो ferric में convert हो जाएगा, फिर चौपट हो जाएगा, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, freshly prepared FeSO4 solution से NO को गुजारते हैं तो कलर ब्राउन हुआ। एक्चुअली क्या हुआ, तो Fe2+ जो पैरा था चार अनपेयर्ड के साथ, NO यहां से वहां उस कॉम्प्लेक्स में एंटर करने के चक्कर में NO ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, NO+ बन गया, और उसका लॉस्ट इलेक्ट्रॉन Fe2+ ने गेन किया, इसलिए ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में Fe1 में है, NO+ में है, और इस कॉम्प्लेक्स में कलर क्यों है? NO से Fe पर NO को लिगेंड बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, तो लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर के कारण कलर है। बहुत अच्छे से समझा होगा ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। दो सर सिम रिचार्ज करो पूरे बड़ा। यस सर, समझे सर? यस सर, यस सर, यस सर, बाकी लोग यस सर, सर नाइट्राइड भी रहेगा तो ऐसे होगा। यस, पेज नंबर बताइए सर। 186। ठीक है, तो उसमें ओजोन ओजोन है, आवाज नहीं आ रही आपकी, सो बताइए क्या ओजोन की प्रॉपर्टी है? ओजोन एक कलरलेस पेल ब्लू गैस होता है लिक्विड में। यस सर,
सॉलिड में फिर वो वॉलेट ब्लैक सॉलिड हो जाता है, ये भी कॉम्पिटिशन. सो उसका तो उसका फोर्थ स्टैंजा है ना, व्हेन ओजोन रिएक्ट विद एन एक्सेस ऑफ पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन बफर्ड विद अ बोरेट बफर. फोर्थ स्टैंजा. यस सर. सो प्रॉपर्टीज वाले में फोर्थ स्टैंजा. यस सर. वो सब. यस सर. यस सर. Iodine is liberated, which can be titrated against a standard solution of sodium thiosulfur. This is a quantitative method for estimation, estimating ozone gas. क्या problem इसमें आप बताइए? Sir, इसका reaction क्या होगा? ठीक है. Ozone आपको पता होना चाहिए, water soluble है, fishy smell है. और अ बिट टॉक्सिक है, मतलब डायरेक्टली कोई इनहेल कर ले तो डेथ नहीं होगी, बट कंटिन्यूअसली अगर आप ओजोन इनहेल करते रहेंगे तो फिर बेहोशी आ जाएगी, डेथ भी हो सकता है ज्यादा अमाउंट में ओजोन लेने से. ये पेल ब्लू गैस है, जब इसको लिक्विड में ले जाओगे तो डार्क लिक्विड हो जाएगा ब्लू में, और अगर आप सॉलिड में ले जाओगे तो वायलेट ब्लैक सॉलिड. ये 2017 में पूछा हुआ भी इसका सॉलिड का कलर, सॉलिड फेज में कलर. चलिए अब ओजोन को अगर आप KI सॉल्यूशन में ले जाएंगे, यही चीज आपका दिया हुआ है, ध्यान से देखिए. क्योंकि ओजोन एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आपको हमने पढ़ाया है पीरियोडिक टेबल में सबसे स्ट्रॉन्ग आप F2 लेते हो, सब कुछ पढ़ाया हुआ है. फिर आप ओजोन और ऑक्सीजन ही लेते हो, फिर क्लोरीन ब्रोमीन आएगी. पीरियोडिक टेबल के अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिस्ट ये है, आयोडीन तो थोड़ा वीक है, आपको हमने ये भी पढ़ाया, अदरवाइज ये सब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से काउंट किए जाते हैं. तो ओजोन एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. तो ओजोन को आप बहुत तरह के रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्ट करवा सकते हैं, बहुत तरह से करवा सकते हैं. बट ओजोन का जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है, जिसमें एस्टिमेशन होता है ओजोन का, ओजोन को जो पहचानना होता है, उसके लिए सबसे इजी रेडॉक्स रिएक्शन कराया जाता है O3 को. आप बहुत से करवा सकते हो, आप बहुत सारा रिड्यूसिंग एजेंट ले लो, रिड्यूसिंग एजेंट आप कुछ भी लेते जाओ ना, Na2S2O3 वो लो उससे भी रिएक्ट करेगा, H2S लो उससे भी रिएक्ट करेगा, SO2 लो उससे भी रिएक्ट करेगा. बहुत सारा आप ले सकते हो, आयोडीन भी ले सकते हो, सिलिकॉन हटाना. एनीवेज अभी फिलहाल रेडॉक्स होगा. अभी फिलहाल हमने क्या बोला कि इसका एक इंपॉर्टेंट और ये वाला काफी इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस हो रहा है, KI एल्कलाइन, इसलिए pH 9 से ज्यादा है, एल्कलाइन सॉल्यूशन, एल्कलाइन मीडियम, एल्कलाइन मीडियम ले लो, सॉल्यूशन मत लिखो, मीडियम. ये करवाने पर और KI एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सॉरी रिड्यूसिंग एजेंट, क्यों? ड्यू टू I माइनस, ये तो फिक्स है अपना, लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो है माइनस की, उसके वजह से KI एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट. और ओजोन लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, I माइनस स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ओजोन एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो इस प्रोसेस से क्या होगा, ये I माइनस ऑक्सीडाइज हो जाएगा, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट था तो ऑक्सीडाइज होगा किसमें, आयोडीन. और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रिडक्शन होगा एल्कलाइन मीडियम में, जैसे आप एल्कलाइन मीडियम एग्जांपल में मान लो KOH आपने ले लिया तो बन जाएगा KI. आप अच्छे से देखिए, ठीक से देखिए. तो हमने क्या बोला, अगर आपने एल्कलाइन मीडियम लिया, आयोडीन बन गया और वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रिडक्शन हो गया, ऑक्सीजन चला गया -2. अब यहां जैसे ही आयोडीन बना तो आयोडीन को पहचानने का, आयोडीन तो वायलेट कलर का प्रेसिपिटेट है, आयोडीन को पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि आप इस पर सोडियम थायोसल्फेट डालो. सोडियम थायोसल्फेट भी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और ऐसा करने से तुरंत वो Na2S4O6+NaI बन जाएगा, कलरलेस, ये कलरलेस बन जाएगा तुरंत. ऐसा करने से तुरंत ये कलरलेस Na2S4O6+NaI बन जाएगा. तो आयोडीन को क्वांटिटेटिवली पहचानने का तरीका है सोडियम थायोसल्फेट डाल के,
और ओजोन ने इसको ऑक्सीडाइज किया है आयोडीन में, इसीलिए जब भी ओजोन को हम लोग पहचानने की बात करते हैं, एस्टिमेशन की बात करते हैं, तो ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. रिएक्शन इज यूजफुल इन डिटेक्शन ऑफ O3 इन क्वांटिटेटिव एनालिसिस. क्वालिटेटिव नहीं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस. क्वालिटेटिव में सॉल्ट एनायन कैटायन का हम लोग करते हैं. क्या अनुमेहा समझ में आया बेटा? यस सर. और ये कहा सर? क्वांटिटेटिव एनालिसिस. सर क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन और क्वालिटेटिव एस्टिमेशन में सर क्या डिफरेंस है? डिफरेंस होता क्वालिटेटिव थियोरेटिकल अप्रोच होता है, मतलब थियोरेटिकल तो नहीं बोलना चाहिए, सॉरी आई एम टेकिंग माय वर्ड्स बैक. क्वालिटेटिव का मतलब हुआ कि आप वहां कोई चीज का कैलकुलेशन नहीं करते हो, अमाउंट की बात नहीं करते हो. और क्वांटिटेटिव का मतलब हुआ कि कंप्लीट अमाउंट के साथ बात करते हो कि जितना ओजोन जितना हमने लिया, जो वॉल्यूम लिया या जो मास लिया, वो इतने मतलब बोलते ना रिएक्शन को जो बैलेंस करते हैं, रिएक्शन को बैलेंस करके बोलते इतना मोल कंज्यूम करके, इतना मोल इससे टोटल कंज्यूम 100% कंज्यूम हो गया, तो वही चीज होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस. जैसे केमिस्ट्री के तीन ब्रांचेज होते हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक. तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इन दोनों का काम है किसी केमिकल चेंज को बता कि ये रिएक्शन हुआ, या तो इनऑर्गेनिक सॉल्ट का या ऑर्गेनिक सॉल्ट का. कभी वो अमाउंट के बारे में डिस्कस नहीं करता, वो ये बोलता है इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक, देखो इसके ऊपर अच्छा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, देखो H3PO4 वीक एसिड है. बट फिजिकल केमिस्ट्री वो इसी क्वालिटेटिव अप्रोच का क्वांटिटेटिव एनालिसिस करता है, मतलब क्वांटिटी के बारे में बात करता है कि H2SO4 जो है वो इतना पीएच वैल्यू इसकी इतनी है, इस टेम्परेचर पर ये वैल्यू ये है, डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू ये है. तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस वर्ड जहां आया इसका मतलब क्या है, हम लोग उसके मोल्स, वॉल्यूम, मास, उस बेसिस पर हम लोग इसको एनालाइज कर लेंगे कि जितना लिबरेट हुआ टोटल का टोटल कंज्यूम. तो वो लाइन उतना ज्यादा आपको इस्तेमाल नहीं करना है, आप डायरेक्टली समझें ओजोन के आई रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन मीडियम में आयोडीन में इसको कन्वर्ट कर देता है, और आयोडीन में जब कन्वर्ट हो गया तो ये आयोडीन को पहचानने का तरीका होगा सोडियम थायोसल्फेट, सिंगल स्ट्रिप टेस्ट है, सोडियम थायोसल्फेट डाल दो, आयोडीन वायलेट कलरलेस Na2S4O6+ एनायन कन्वर्ट होता है. हालांकि इस चीज को भी हम आगे बताने वाले हैं केमिकल रिएक्शन की दुनिया में, बावजूद उसके अच्छे से आप देख लीजिए. क्लियर हो गई चीजें? यस सर, थैंक यू सर. नेक्स्ट डाउट लाइए, स्पेस का स्क्रीनशॉट पहले आप लोग ले लीजिए. नेक्स्ट डाउट है नंबर ऑफ PP1 इन P4. यही है जी? यस सर. कितनी बार बताया आप लोगों को ये टेट्राहेड्रल ये है, तो आप कितना पीपी खींचे आप देख लीजिए. आपने खींचा 1, 2, 3, 4, 5 and 6. क्लियर हो गया? यस सर. और सर हाइब्रिडाइजेशन इसका sp3 होगा ना? पॉइंट अभी मैं बोलने वाला था. आईडी ने 2007 में पूछा था कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इन लोन पेयर ऑफ P4 मॉलिक्यूल. हाँ, P4 मॉलिक्यूल बोला था. व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इन लोन पेयर ऑफ P4 मॉलिक्यूल. तो आईआईटी ने इसका 2007 का क्वेश्चन एग्जैक्टली आईआईटी ने इसका ऑप्शन लिखा ए में 25%, बी में 33%, सी में 16% समथिंग लाइक दैट, डी में 50%, कुछ इस तरीके का. देखो तो जाहिर सी बात है हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3 ले लिए, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 ले लिए तो आंसर हो गया ए. बट अगर मैं ऑप्शन को इस तरीके से दे दूं ए में 25%, बी में 50%, सी में 0% और डी में 33%, क्या कोई बता सकते हो अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो? हमने पढ़ाया हुआ लेकिन आई एम डॉटिंग सीरियसली भी कोई बता नहीं पाऊंगा. सौरभ क्या आपका रिप्लाई? सर 33%. एनीबडी एल्स?
यस सर 33% यस सर 33% और कोई सर 33% और कोई दोस्त मित्र बंधु भाई सखा भाई बहन देवियों एवं सज्जनों और कोई बताएंगे 33% सर 33% चलिए मैं आंसर बता रहा हूं सी आंसर लेंगे अगर ऐसा ऑप्शन आया जीरो क्योंकि हमने आपको पढ़ाया है हाइब्रिडाइजेशन एलिमेंटल स्टेप पर डिफाइन नहीं होता है इज नॉट डिफाइंड इन एलिमेंटल स्टेप हमने आपको पढ़ाया है कि हाइब्रिडाइजेशन एलिमेंटल स्टेट में डिफाइन नहीं होता है तो एलिमेंटल स्टेट है ये इसमें हाइब्रिडाइजेशन डिफाइन ही नहीं करना होता बट हाँ 0% ऑप्शन नहीं था इसलिए हम लोगों को नॉर्मल तरीके से सोचना है और sp3 लेके 25 करना है क्लियर हुई चीजें क्या बोला हमने हाइब्रिडाइजेशन एलिमेंटल स्टेट में डिफाइन नहीं किया जाता है प्योर स्टेट में हाइब्रिडाइजेशन डिफाइन नहीं करते N2 O2 ग्रेफाइट डायमंड जल्दी इसमें डिफाइन नहीं करते बट हाँ मजबूरी है वैसे तो ले लिया जाए कोई वैसा प्रॉब्लम नहीं है आप ग्रेफाइट में तो sp2 बोलते ही बोलते हो बट फर्स्ट वाला क्वेश्चन में बट अगर ऑप्शन 0 है तो एलिमेंटल स्टेट में हाइब्रिडाइजेशन डिफाइन नहीं करना क्लियर हो गया सर फर्स्ट वाले क्वेश्चन में 33% क्यों नहीं हुआ 25 पे जाएगा जबकि s परसेंटेज ज्यादा होता है हाइब्रिडाइजेशन 1 2 3 4 sp3 है ना सब परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर ज्यादा होता है ना लोन पेयर में उससे क्या मतलब है कितना परसेंट ज्यादा है ये बता दोगे क्या आपको कौन सा हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना हमने आपको पढ़ाया इतना पढ़ा के पॉलिंग हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना है या इंडेक्स पढ़ना है सौरभ यस क्या पढ़ते हो पॉलिंग हाइब्रिडाइजेशन या इंडेक्स पैरामीटर पॉलिंग सर पॉलिंग में क्या करते हो ज्यादा कम बोलते हो क्या नो सर पॉलिंग में सारा कैरेक्टर बराबर कर देते हो ना एवरेज ले लेते हो ना जी यस सर नेक्स्ट आइए नेक्स्ट अपना डाउट लाइन सर 174 में सबसे ऊपर लिखा हुआ है 174 में सबसे ऊपर इन द लेबोरेटरी वाला नो सर निकोजेंस नहीं कौन सा लाइन बोल रहे हो बेटा ऑल द ट्रायलाइट्स ऑफ दीज एलिमेंट्स एक्सेप्ट दोज ऑफ नाइट्रोजन आर स्टेबल 174 ना यस सर All the trihalides of these elements except those of nitrogen are stable. बेटा ये 174 में नहीं है, कोई और पेज नंबर होगा। सर तो मेरा बुक शायद न्यू होगा लेकिन ये सर स्टेटमेंट लिखा हुआ है trihalides के बारे में trihalides 177 पर यस सर न्यू वाला एनसीईआरटी में थोड़ा डिफर है सर ये डाइनाइट्रोजन के पहले वाले टॉपिक में सर डाइनाइट्रोजन टॉपिक के पहले यस सर जस्ट पहले ट्रायलाइट्स ऑफ नाइट्रोजन बोल रहे हो या फास्फोरस सर नाइट्रोजन नाइट्रोजन सर पेज नंबर 168 में क्या दिक्कत है हमने स्पष्ट लाइन बाय लाइन पढ़ाया है
हुआ है नहीं आपको ध्यान में, अभी याद दिला देते हैं। ट्राइहैलाइड्स ऑफ निकोजेंस ऑल MX3 मतलब PX3, ASX3, SBX3 और BIX3 आर स्टेबल। ये दिया हुआ है कि ये सारे स्टेबल हैं, बट NX3 अनस्टेबल होता है। क्या हमने ये नहीं पढ़ाया है? हाँ, NF3 इज स्टेबल, बैकबॉन्डिंग में याद करो हमने पढ़ाया, क्योंकि जो NX3 है NCl3, NBr3 और Ni3 में हमने आपको क्लियर किया था लो EN डिफरेंस है, EN डिफरेंस काफी कम है, इसीलिए अनस्टेबल बॉन्ड्स, और दे ऑल आर पावरफुल एक्सप्लोसिव। याद कीजिए, पढ़ाया है? यस सर। पावरफुल एक्सप्लोसिव है जो इसमें, यस सर, एक्सप्लोसिव कैरेक्टर नीचे था कि ऊपर? ऊपर, नीचे। क्यों? क्योंकि बॉन्ड नीचे कमजोर रहा, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजेज, सेल बढ़ने से बॉन्ड एनर्जी कम होती है, हमने स्पष्ट बताया था। एक NF3 या जो स्टेबल है, क्योंकि NF3 में EN डिफरेंस ठीक ठाक है और N2 है भी ओवरलैप, एक तो N2 ओवरलैप है, इससे भी बॉन्ड स्टेबल है, और प्लस EN डिफरेंस डेल्टा एक्स भी 1.0 है, तो NF3 एक स्टेबल है, बाकी ये सारा अनस्टेबल था, हमने आपको बताया था। और इसमें लेविस बेस का कैरेक्टर भी किया गया था, माइनस आई इफेक्ट से कंट्रोल करके इसका लेविस बेस का कैरेक्टर भी किया गया था। ये भी हमने किया था कि NF3 से ज्यादा NCl3 क्यों होगा लेविस बेस का कैरेक्टर नीचे, क्योंकि इधर जाने पर माइनस आई इफेक्ट स्ट्रॉन्ग हो रहा है, बैक बॉन्डिंग तो काफी कमजोर है, ये हमने किया हुआ। चलिए, ये वाला आपका डाउट क्लियर हो गया, हो गया क्लियर? हाँ, एक पॉइंट और, ये सारे कोवेलेंट है, आर स्टेबल एंड स्टेबल एंड कोवेलेंट। एक BIX3 जो है वो आयोनिक है, स्टेबल है बट आयोनिक है, BIF3 X3 नहीं, सिर्फ F3, Cl3 वगैरह कुछ नहीं, एक BIF3, क्योंकि फ्लोरीन जो है काफी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो एक BIF3 ही जो है वो आयोनिक है। हमने इसमें भी पढ़ाया हुआ है आपका, बिस्मथ का कोई भी पेंटाहेलाइड एग्जिस्ट नहीं करता है एक्सेप्ट BIF5, बहुत कुछ पढ़ाया हुआ है शुरुआत के समय में, स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड और स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट में क्लियर किया था, और बोला था कि IIT का क्वेश्चन ही सेम वही उठ के आया था जो कॉपी में लाइन यूज करते हैं, एक्सेप्ट BIF5 नन ऑफ द बिस्मथ पेंटाहेलाइड्स एग्जिस्ट, कोई भी बिस्मथ का पेंटाहेलाइड एग्जिस्ट नहीं करता इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण, बट BIF5 एग्जिस्ट करता है क्योंकि फ्लोरीन बहुत पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो बिस्मथ को वो +5 तक कैरी करके ले जा सकता है, पढ़ाया हुआ है बहुत अच्छे से। एनीवेज, अभी आपका यही था लाइन, दीज एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म टू सीरीज ऑफ हैलाइड्स EX3 एंड EX5। अगला है, नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड्स ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल इन इट्स वैलेंस शेल, पता ही आपको पेंटाहेलाइड्स आर मोर कोवेलेंट देन ट्राइहैलाइड्स, पता है पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से पोलराइजेशन बढ़ जाएगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा। ऑल द ट्राइहैलाइड्स ऑफ दीज एलिमेंट्स एक्सेप्ट दोज ऑफ नाइट्रोजन आर स्टेबल, नाइट्रोजन वाला छोड़ के बाकी हमने बताया सब स्टेबल है। फिर हमने बताया इन केस ऑफ नाइट्रोजन ओनली NF3 इज नोन टू बी स्टेबल, ये भी हमने बोला कि इसे यही सिर्फ स्टेबल है NF3। फिर है ट्राइहैलाइड्स एक्सेप्ट BIF3 आर प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट इन नेचर, BIF3 को छोड़ दे तो बाकी सारे स्टेबल भी है, कोवेलेंट भी स्टेबल है बट आयोनिक। आप इसमें इसका स्क्रीनशॉट ले ले पहले। नेक्स्ट आइए, अगला डाउट पूछिए, क्या है इसमें आपका सर? 168 पेज डायलोट्रोप्स के बारे में। 168 कौन पूछ रहा है? 168 रिएक्टिविटी की बात, मेटल क्या बोले बेटा? रिएक्टिविटी टुवर्ड्स सर, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल में सर। हां, नाइट्रोजन इसमें ऑल दीज एलिमेंट रिएक्ट विद मेटल ऑक्सीजन,
कंपाउंड एग्जिबिटिंग माइनस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन सर एन ए थ्री ए एस टू में तो सर माइनस थ्री नहीं हो, सर ऑल दी एलिमेंट रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म देयर बाइनरी कंपाउंड एग्जिबिटिंग माइनस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट सर, लेकिन एन ए थ्री ए एस टू में तो सर माइनस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होगा, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल मतलब आप कोई भी मेटल ले रहे हो और इसका रिएक्शन करा रहे हो नाइट्रोजन से, फास्फोरस से, आर्सेनिक से, एंटीमनी से, बिस्मथ से। आप याद करो हमने शुरू में ही एक रिएक्शन करवाया था इस पर आधारित Na3AM, Na3 याद करो, Na3P, Na3AS कितने सलीके से पढ़ाया हुआ है, आप इसको याद करोगे कब हमने करवाया था, जब पीरियोडिक प्रॉपर्टी स्टार्ट हुआ था तो उसके फर्स्ट क्लास में बॉन्डिंग बिहेवियर जिसमें आयनिक कोवेलेंट और मेटलिक बॉन्ड बात की जा रही थी कि ऊपर में मेटल प्लस नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन है इसीलिए ऊपर के बॉन्ड जो है वो आयनिक होंगे जाएंगे, आयनिक कैरेक्टर इंक्रीजेज। अब नीचे वाले जो है वो मेटल प्लस मेटल के कॉम्बिनेशन में है इसलिए नीचे आने पर आपका मेटलिक बॉन्ड का कैरेक्टर इंक्रीज कर जाएगा, मेटल प्लस मेटल मेटलिक बॉन्ड। एक तो हमने ये किया था, नेक्स्ट आते जाइए देखते जाइए आपको कैसे सब कुछ पढ़ाया हुआ है आपको याद आ जाएगा। फिर हमने आपको एक बड़ा अच्छा चीज करवाया था एस ब्लॉक मेटल्स टुवर्ड्स नाइट्रोजन, स्पेसिफिकली नाइट्रोजन के बारे में याद करो लैटिस एनर्जी चैप्टर में टॉपिक में करवाया है। एल्कली मेटल में कौन कौन लिथियम से रिएक्ट करता था, याद कीजिए सिर्फ यही नाइट्रोजन से रिएक्ट करके Li3N बनाता था, बाकी नो रिएक्शन, लैटिस एनर्जी काफी लो होने की वजह से। और वहीं पर आप एल्कलाइन अर्थ मेटल जब लेते थे तो लैटिस एनर्जी बढ़ जाने की वजह से ये सारे के सारे नाइट्रोजन से आराम से रिएक्ट करते थे और बनाते थे M, N, N का 3 और उसका 2 सब, और 1 Na सिर्फ लिथियम ही नाइट्राइड बनाता था। क्या हमने पढ़ाया था कि आउट ऑफ एल्कली मेटल्स ओनली लिथियम फॉर्म्स नाइट्राइड? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। 3A ऑनवर्ड्स अगर आप लेते थे तो आराम से ये मेटल नाइट्रोजन से रिएक्ट करता था क्योंकि लैटिस एनर्जी और ज्यादा, जैसे एग्जांपल में एल्युमिनियम को आप नाइट्रोजन से रिएक्ट करवा दो तो AlN एल्युमिनियम नाइट्राइड आराम से बनता था। हमने आपको सिलिकॉन का भी करवा के दिखाया था तो सिलिकॉन 4 प्लस आएगा तो Si और N 3 यहां 4 यहां इस तरह से। अब जैसे नाइट्रोजन की बारी है उसी तरीके से अदर निकोजेंस की बारी, बाकी निकोजेंस भी रिएक्ट करेंगे मेटल से, ठीक है। अब यहां पर यही चीज दे रखा है कि बाकी निकोजेंस रिएक्ट करेंगे जैसे Cl3P2 बनाएंगे तो कैल्सियम ने फास्फोरस से रिएक्ट किया, फिर देख लो प्रोडक्ट क्या क्या लिख रहा है Na3As2 बनाया As2 इसने गलत लिख दिया है Na3As होगा बस As2 नहीं लिखना था, वो प्रिंटिंग एरर है इनका Zn3SB2 ये बनाया Mg3Bi2। अब इन सब में ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा निकोजेंस का वो किस ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा? माइनस थ्री में। यही चीज आपसे बोल रहा है। अब बोलोगे सर क्यों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ले लो, कैल्सियम से ज्यादा होगी फास्फोरस की, आपको पता है कैल्सियम 1.0 फास्फोरस 2.1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सोडियम से ज्यादा हो जाएगी आर्सेनिक की, आर्सेनिक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.8 1.9 के अराउंड होती है, 1.8 ले लो, और सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.9 होती है। जाहिर सी बात है मेटल है Zn3 2 है Sb का भी ज्यादा हो जाएगा तो जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा मैग्नीशियम से ज्यादा होगा बिस्मथ का, Mg से ज्यादा होगा बिस्मथ का, ये तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है इसीलिए सबका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा
मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण -3, इसलिए इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गए चीजें जिनका भी ऑक्सीडेशन स्टेट को लेकर के था मसला? यस सर। हमने और भी चीज इसमें बता दिया, कुछ चीजें अगर आपको मिसिंग लग रही हो तो वो भी हमने क्लियर कर दिया है। आप स्क्रीनशॉट ले लें स्पेस का और अगला डाउट अपना रेडी कर। देखिए ये आपका जो डाउट है हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ऑक्सीजन इज यूज इन ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मेनी मेटल्स पर्टिकुलरली स्टील। ऑक्सीजन सिलेंडर्स आर वाइडली यूज इन हॉस्पिटल। ये आगे का दूसरा है। वेल्डिंग को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, हमने ये भी पढ़ाया हुआ आपको। वेल्डिंग दो तरीके से हम लोग करते हैं वेल्डिंग ऑफ मेटल्स। एक मैग्नीशियम वेल्डिंग और दूसरी वेल्डिंग अपन करते हैं ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग। ऑक्सी एसिटिलीन इसमें ऑक्सी हटा के भी बोला जाता है वेल्डिंग। इस वाली वेल्डिंग में क्या होता है, मैग्नीशियम का रॉड आप वेल्ड करते हुए जो देखते हैं वो रॉड रहता है लगा हुआ वेल्डर के पास, वो मैग्नीशियम का रॉड है। आप इसको एयर में इलेक्ट्रिक स्पार्क जब देते हैं तो वो रिएक्ट करता है और MgO बनता है। MgO बनने के साथ काफी खूबसूरत लाइट निकलती है जो आंखों के लिए काफी हार्मफुल होता है, डैजलिंग लाइट, चमकता हुआ, ग्लो करता हुआ, आप देखते होंगे, इसलिए चश्मा लगा करके लोग वेल्ड करते हैं और खूब सारा हीट निकलता है, इसी हीट की वजह से वेल्डिंग पॉसिबल हो पाता है। तो ये तो आप समझ रहे हो, आप लोहे को जो ज्वाइंट करते हो तो दो लोहा रखते हो जिसको ज्वाइंट करना है और आप मैग्नीशियम का रॉड लेते हो जो लगा हुआ है और अर्थ से कनेक्ट करते हो इसको। देखा होगा आपने कि छड़ को जमीन पे रख के वेल्ड किया जाता है अर्थ के लिए और फिर आप मैग्नीशियम के रॉड में करंट जोड़ते हो और स्पार्क लगता है वहां अर्थ के कारण। अगर आप अर्थ वहां नहीं रहे तो करंट नहीं बनेगा। तो जैसे स्पार्क हुआ एमजीओ उस समय एयर से रिएक्ट किया और एमजीओ बना, लाइट निकली और O2 सॉरी बहुत सारा ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट लिबरेट हुआ, इसी हीट की वजह से वेल्डिंग हो पाई। सेकेंड है एसिटिलीन वेल्डिंग में क्या होता है, आपने देखा होगा कि यदि आप साइकिल का रिम जो होता है अगर आप उसको वेल्डिंग करवाइए तो लोहे के दुकान वाले के पास वेल्डिंग नहीं करवाते क्योंकि वो सॉफ्ट आयरन है। तो आप वैसे चीजों को क्या करते हैं, साइकिल दुकान वाला ही छोटा मोटा वेल्डिंग करता है, वो एसिटिलीन वेल्डिंग होता है, वो एसिटिलीन गैस रखता है उससे वेल्ड करता है। क्या फंक्शन क्या है, एक्चुअली एसिटिलीन गैस हाईली इनफ्लेमेबल है, काफी ज्वलनशील, हाईली इनफ्लेमेबल, इसीलिए इसको जैसे ही आप देखते होंगे कि गैस निकलना स्टार्ट हुआ और माचिस या लाइटर जलाया, ये देख रहे हो एयर के कारण वो जलना स्टार्ट की, तो जैसे ही जलेगा तो CO2 गैस आएगा और ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट लिबरेट होगा, फिर ये वेल्डिंग होगी। तो इसको बोलते हैं ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग, सिंपल है, वो भी वेल्डिंग है ये भी, बट ये वाली वेल्डिंग जो होती है इस रिस्पेक्ट में वो वाला ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है क्योंकि MgO का फॉर्मेशन काफी एक्सोथर्मिक है, MgO इज हाईली स्टेबल, इसलिए फॉर्मेशन इज ह्यूज एक्सोथर्मिक। नेक्स्ट और कोई डाउट है तो पूछ लें। होम सिग्नल मिक्सचर एक टर्म आया होगा, ये एस ब्लॉक में भी ये टर्म आके गुजरा होगा, ये क्या है जरा ध्यान दें, होम सिग्नल मिक्सचर ये भी इंपॉर्टेंट होता है, Ca3P2 कैल्शियम फॉस्फाइड और CaC2 का मिक्सचर होता है, कैल्शियम कार्बाइड, इस मिक्सचर को होम सिग्नल मिक्सचर बोलते हैं। व्हाट इज होम सिग्नल मिक्सचर, एक्चुअली ये सी पोर्ट पर सिग्नल देने के लिए भी रखा जाता है, सी पोर्ट पे भी रखता है और लोग शिप में भी रखते हैं इसको, दूर कहीं अगर आपका मान लीजिए कि फंस गया शिप कहीं पे पानी में, सिग्नल कोई आप उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहा, नजदीक में कोई हेल्प के लिए नहीं है, तो वैसे केस में ये होम सिग्नल मिक्सचर को पानी पर बहुत दूर दूर तक फेंक दिया जाता है, ठीक है, प्रोजेक्टर से प्रोजेक्ट कर दिया जाता है और वो जहां गिरता है पानी पर वहां समुद्र में आग लग जाती है, तो लोगों को इससे समझ में आने लगता है कि हाँ कोई फंसा हुआ है, या कोई अगर पोर्ट पर पहुंचने वाला है आपका सिप तो वहां पे भी वो काफी दूर से फेंक दिया जाता है कि पता चल जाए कि रात को हम आ रहे हैं या मछुआरा है या कोई भी है तो लोग थोड़ा सा अलर्ट हो जाए। क्या इसका रोल क्या है जरा ध्यान दिया जाए, एक्चुअली ये मुश्किल हालात के लिए रखा गया है, क्यों, हाइड्रोलिसिस होगा, क्या बनेगा जरा देखो, गौर से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमने पढ़ाया है, कटायन में OH लगता है और एनायन में H+ लग के एसिड PH3 फॉस्फेट, हमने बताया था
burns on watery place या marshy place या पानी के ऊपर या over water, इसीलिए ये जलेगा। और दूसरा CaC2 अभी अभी पढ़ाया था, देखो यहां भी क्या बन जाएगा, CaOH hold to और plus C2H2, हमने क्या बोला burns in air, ये भी air में जलता है। तो ये दोनों ही चीज एयर में जलता है, एयर में जलने के कारण ही आपको सिग्नल मिलता है। समझ में आ गया होम सिग्नल मिक्सचर सुरभि? यस सर। सर प्योर पीएच थ्री तो नॉन इनफ्लेमेबल होता है ना? प्योर पीएच थ्री इसमें नहीं बनता, पीएच थ्री सामान्य तौर पे जब भी बनता है तो पी फोर के कारण, ये भी पढ़ना होता है, burning of PH3 is presence is due to presence of impurities like P4 dihydrogen and P2H4, phosphorus white phosphorus usme paya jata hai aur hydrogen paya jata hai aur P2H4 usi ke karan wo burn karta hai, wo hamesha rehta hi rehta hai। Chaliye agla aur boliye, ho gaya? Yes sir। Chaliye good, to humne is tarah se nicogens aur कैल्कोजेन का आज डिस्कशन किया एनसीईआरटी का। फिर आपको एक क्लास की मोहलत दे रहे हैं आप हैलोजेंस और इनर्ट एंड नोबल गैसेस को फिर आप पढ़ेंगे। हम फिर से एक बार रिपीट कर दें, जो कल की लेक्चर होगी इसमें पहले आपको निकोजेंस और कैल्कोजेंस के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, अच्छे वाले क्वेश्चन। कहां से आएंगे ये हम आपको भेज चुके हैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में होमवर्क करके, निकोजेंस एंड कैल्कोजेंस का आज फिर होमवर्क करके 15-20 क्वेश्चन फिर आज भेज दिया जाएगा। तो कल के क्लास में निकोजेंस एंड कैल्कोजेंस का आपको क्वेश्चंस डिस्कस होगा, और इसीलिए भी क्वेश्चन डिस्कस करने दिया जा रहा है ताकि आपको दो दिन टाइम मिले इनर्ट नोबल गैसेज और हैलोजन को पढ़ने का, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा है, 12th का भी एरिया है। तो कल हम लोग प्रॉब्लम को डिस्कस करने वाले हैं, कौन सा प्रॉब्लम, तो जो आपको होमवर्क के तौर पे मिला है उसको, उसका डिस्कशन होगा। और फिर परसों की क्लास में या अगली जो क्लास होगी उस वाली क्लास में हम लोग, क्योंकि परसों सैटरडे हो जाएगी शायद, तो सैटरडे को हम लोग लेते नहीं है क्लास, तो अगली जब भी क्लास होगी हैलोजन एंड इनर्ट गैस का एनसीईआरटी डिस्कशन प्लस क्वेश्चन भी आपको जाएगा, वो भी डिस्कस होगा। तो कल के क्लास में हम लोग करीब करीब 50-60 क्वेश्चन को आप बना के आएंगे, सॉल्व करके आएंगे, जो आपको ग्रुप में भेजा जा रहा है असाइनमेंट का मटेरियल का, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच, गुड नाइट। थैंक यू सर, गुड नाइट सर।